स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज के अंदर बच्चों अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है हमारा म से मछली या म से मकान वाला म। तो सबसे पहले बच्चों म से मछली लिखना बिल्कुल सिंपल है। सारे जो अक्षर्स हैं वो बिल्कुल सिंपल होते बट हमें थोड़ा सा उनमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है तब हम इजीली कोई भी वर्ड्स कोई भी अक्षर जो है लिख सकते हैं। तो अभी हम आपको म से मछली वाला म लिखना सिखा रहे हैं। आप फाइव लाइन की कॉपी खोलिए पेंसिल लीजिए और मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। नंबर फर्स्ट, ये हमारा नंबर फर्स्ट है। ये जो लाइन है ये हमारी नंबर फर्स्ट है और यहाँ से हम नोट लगा के पीछे लाते हैं तो ये हमारा नंबर टू। ये हमारा नंबर फर्स्ट, ये गांठ, ये हो गई नंबर टू। फिर ये जो लाइन है ये होती है नंबर थ्री। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हमारा थ्री और ये हो गया फोर। ये क्या बना? म से मछली। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देखिए म से मछली लिखना बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट, ओके, ये कौन सा हो गया? सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ये है म। क्या है? म, म से मछली वाला म। बिल्कुल सिंपल है, लिखिए बच्चों। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ। लिखिए फर्स्ट और ये सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड, ये है थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या बन गया? म से मछली वाला म। क्या बन गया बच्चों? म से मछली वाला म। बिल्कुल सिंपल है, आप अपनी कॉपी में इजीली लिख सकते हो। ये देखिए बच्चों, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्या है? म से मछली वाला म। लिखिए पूरे पेज पे, लिखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये हमारा फर्स्ट, ये है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार से हमने मछली मछली वाला म लिखना सीखा। देखिए पिक्चर, देखिए चित्र, देखिए बच्चों। ये किसका चित्र है? मछली का। किसका है? मछली का। देखिए तो इस प्रकार से हमने म से मछली लिखना सीखा। म से मछली भी होता है और म से मकान भी होता है। देखिए बच्चों मकान का चित्र, ये है म से मकान। सो स्वीट, अच्छा है ना? अच्छा मकान है ना बच्चों? ये है म से मकान। इस प्रकार से हमने म से मछली म से मकान दो न्यू वर्ड सीखे। ओके, लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए। ये फर्स्ट, फिर ये हो गया सेकेंड, ये कौन सा है? थर्ड,
फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर। म लिखिए, पूरे पेज पे आपको म लिखना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर। इस प्रकार से हमने मछली मकान वाला म और मछली मछली वाला म लिखना सीखा। मस से मकान के बाद में लिखते य से याक, य से याक, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। सबसे पहले ये फर्स्ट, ये फिर सेकंड, फिर ये लाइन हो गई थर्ड और फिर ये लाइन हो गई फोर। बिल्कुल इजी है। ये फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड फोर, ये बना य। क्या बना? य। लिखिए बच्चों, य से याक, याक मीन्स जंगली भैंसा। देखिए इस पिक्चर को, ये है याक। क्या है? याक। देखिए अब हम ये लिखेंगे, ये नंबर फर्स्ट, ओके, उसके बाद में नंबर टू। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये हो गया हमारा थर्ड, इजी। और फिर ये लाइन, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ये हमारा य है। क्या है? य। लिखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर। य को, पूरा य को एक पेज पे लिखना है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर। अभी हम क्या लिखना सीख रहे हैं बच्चों? य। ये हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड थर्ड फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर। लिखिए बच्चों, य से याक पूरे पेज पे लिखिए। इस प्रकार से ये लिखना सीखा आपने, बिल्कुल इजी है। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो भी अक्सर आप लिखते हो वो बीच वाली थ्री लाइन में लिखना है, ऊपर वाली और नीचे वाली। इन लाइन पे कुछ है, ये ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है और ये बीच वाली थ्री लाइन्स हैं। तो आपको ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इनमें कुछ नहीं लिखना है, बीच वाली लाइन में। बिकॉज ऊपर वाली जो लाइन है वो मात्राओं के लिए होती है और नीचे वाली लाइन भी मात्राओं के लिए होती है। बीच वाले जो लाइन है उसमें हमें अक्षर लिखने होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने याक और म से मछली और म से मकान लिखना। ये म से मछली और म से मकान। म बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फोर स्टेप में आपने म से मछली और म से मकान लिखना सीखा। ये आपके मछली का पिक्चर और ये आपके मकान का पिक्चर, देखिए बच्चों। और इस प्रकार से हमने पूरे पेज पे म लिखा है। आपको भी पूरे पेज पे म से मछली वाला म और म से मकान वाला म लिखना है, ओके। डियर स्टूडेंट्स, कीजिए अपना काम, कीजिए। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और
लिखावट के लिए आपको पेंसिल का उपयोग करना है। पेन से कोई भी विद्यार्थी नहीं लिखेंगे, सारे बच्चे जो हैं पेंसिल से ही सारे अक्षर लिखेंगे, क्योंकि पेंसिल से अगर रॉन्ग भी होता है, गलत भी होता है, तो हम रबर से इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं। इसलिए बच्चों पेंसिल से ही काम कीजिए, ओके, कीजिए ये काम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और पूरा काम कीजिए और व्यवस्थित ढंग से काम होना चाहिए।